आप जानते हैं साइकिल का आविष्कार कब हुआ? ईयर 1818 के अंदर हमको पहली साइकिल देखने को मिलती है। इस साइकिल को डैंडी हॉर्स कहा जाता है। ये साइकिल के पहिए लकड़ी से बने होते हैं, ना ब्रेक होता है, हैंडल होता है जिससे हम स्टेयरिंग संभाल सके, ना ही इसके अंदर पैडल होते हैं। अगली साइकिल हमको ईयर 1860 के अंदर देखने को मिलती है। इस साइकिल को वेलोसिपेड कहा जाता है। इस साइकिल के अंदर पैडल और हैंडल तो आ चुका था, पर अभी भी स्टेयरिंग मैकेनिज्म सही से नहीं आया था। वजन के अंदर ये साइकिल बहुत ही ज्यादा भारी थी। जब भी ये स्पीड ब्रेकर से टकराती, इंसान की पूरी बॉडी वाइब्रेट हो जाती, इसीलिए कुछ लोग इसको बोन शेकर भी बोलने लग गए। अगली साइकिल की फोटो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। इस साइकिल को पेनी फार्थिंग कहा जाता है। इसके अंदर एक टायर दूसरे टायर से काफी बड़ा होता है। ये साइकिल चलाने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। इसी डिफिकल्टी को ध्यान में रखे एक इंसान ने 1885 के अंदर एक ऐसी साइकिल बनाई जिसके अंदर ब्रेक भी डाल दिए, पैडल्स भी डाल दिए, पैडल्स को चेन के साथ कनेक्ट कर दिया। आज भी हम लोग मार्केट में इसी टाइप की साइकिलों को देखते हैं।